भाभी तो जी तैयार होकर खड़ी है जी स्कूल जाने के लिए। बाप क्या हाँ बाबा, हम वो चाबी हमारी जो गाड़ी जिधर खड़ी होती है ना बाइक, तो चाबी ऊपर होती है ना, तो बाप लेने गई है तो उधर डोगी बैठा हुआ था, तो बाप डर के भाग गए नीचे। तो नदीम साहब जा रहे हैं जी छोड़ने के लिए, तो पानी की गैलन भी ले ली है साथ में, पानी भी ले आएंगे। लाफीस चलो चलो बाहर नहीं है। तो यहाँ पर से निकाल रहे हैं हम गाड़ी, बच्चे सारे डैडी हैं जी स्कूल जाने के लिए। और आज मौसम देख इतना प्यारा है, आज धूप बिल्कुल भी निकली, हवा चल रही है, आसमान देखे बादल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे थे आप सब, उम्मीद करते हैं सब बैठ बैठ ठीक होंगे, अल्लाह के कब से मैं भी ठीक हूँ, अब यहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे। तो जी आज का लोग है शुरू, आज है जुम्मा, सब बहन भाई को जुम्मा मुबारक। तो जुम्मा था तो अचानक से आपको रोने की बच्चे की आवाज़ भी आ रही होगी, अचानक से जी हमारे घर मेहमान आ गए हैं, मेहमान कौन आया जी, मेरी बहनें आई हैं, बेचारे इन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं था बताया कि हम आ रहे हैं, अचानक इन्होंने जी हमें छापा मारा। तो अभी जी हमारे साथ से जी पानी का प्यार खिलाया है, अभी पता नहीं करी रखी हुई है, और इधर मेरी सिस्टर बैठी हुई है जी, पानी का सिस्टर बाहर आ जो भी शोर की आवाज़ भी आ रही होगी, तो मैंने कहा जल्दी जी लोग शुरू कर देते हैं। तो आपने रहना जी मेरे साथ, ये है कि अब चुप हो गया, देख तरह कैमरे के सामने आया ना, तो चुप हो गया। यह है जी मेरा प्यारा सा भांजा, मेरी दूसरी सिस्टर का, तो पहले जो वो अभी वो सो रही है जी, वो पहले आ रही थी, तो हो रहा था अब चुप हो गया कि हालत बातें कर रही है। और ये है जी एक मेरा भांजा, हाय बोलो, हाय और बाप रे अपनी रोएगा पता, वीडियो बन गई ये लोग नहीं दे उठते सर, आंटी जिंदा इनको तक नहीं आए थे कि अम्मा तो लाती थोड़ी इधर से आशा दस जी इधर दिन सा खड़े हैं जी, जुमे के लिए तैयार हुए हैं, और वो प्रवीण खुश हो जाए, एक मैंने लगा दी थी यार पहले ही उठा ले पानी डाल, मैंने तो नहीं डाला, क्या बाप ने खोली होनी है, और बाप ने खोली थी टूटी। तो जी मेहमान हमारे चले गए जी, वो थोड़ी देर के लिए आए थे क्योंकि आज जुम्मा था ना, तो वो ऐसे ही ना मेरी बहन ही आई थी, तो आप चले गए, मैंने कहा जी बर्तन भी साफ कर लेते हैं। तो इतनी मुझे खुशी नहीं हुई कि मेरी बहन आई थी, क्योंकि आई हैं और चली गई हैं, थोड़ी देर बैठी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मेरे साथ गुजारा उन्होंने, तो मुझे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा है, बुरा भी, मैंने फिर उन्होंने बोला कि आप आती ना, तो फिर चले गई आप, बंदा बैठे इतनी दूर से आए थोड़ी देर बंदा बैठता तो सही है ना। मम्मा आपके घर बेबी हुआ है क्या? बेबी हुआ है क्या? ये देखो, हाँ ये देखे जरा रबाब के काम देखे, ये देखे जरा रबाब को जी, रबाब ना वो मेरा छोटा भांजा था ना, तो उसके लिए मेरी बहन ने बांध दिया थोड़ी देर के लिए, तो वो जी वो खोली नहीं अभी, तो रबाब उसके अंदर झूला ले रही है, देखेगा झूले मिट्टा इधर। मामा ने बर्तन धो दिए हैं सारे, मामा क्या कर रही हैं?
मम्मा जी क्या कर रही हो? पापा आपके लिए क्या है? अच्छा। और फिर दाले वगैरह और मिर्चे वगैरह। तो वैसे मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ, जब से आपकी सिस्टर गई वापस गई हैं तो आप उदास उदास है क्यों? हैं आपको मैं उदास लग रही हूँ? हाँ हाँ, तो फिर पता चल ही जाता ना बंदे को कि बंदा उदास है या नहीं उदास। हाँ, तो बहनों का रिश्ता ही ऐसा होता है ना, अनमोल रिश्ता होता है ये, वो इसलिए उदास लगी आई है और मुझे पता भी नहीं चला, इसलिए उदास। चले आप ये समझे ना कि आपको ख्वाब आया था कि वो आई है, चली गई। अच्छा, सही है, बंदा समझ सकता है। हाँ हाँ, तो आप खुद अभी ये ऐसा होता है जब माँ बाप के घर होते हैं ना, तो ये माइंड में आता है कि सब इकट्ठे होते हैं तो कितना मजा आता है। जब शादी नहीं हुई होती उस वक्त, तो जब बहनों की शादी हो जाती है ना, तो फिर अपने अपने घर के मसले मसाइल होते हैं, तो चाह कर ना बंदा टाइम एक दूसरे के साथ नहीं गुजार सकता। चलो बहन भाई ऐसा ही है ना, मेरे तो फटाफट ना मुझे तो बड़ी जल्दी की ये फीलिंग महसूस होना शुरू हो जाती है कि चाह के बंदा ना टाइम नहीं गुजार सकता। चलो कुछ नहीं होता ही, तेरा मैं हौसला देती हूं। तो मुझे कोई रोना तो नहीं आ रहा, अल्लाह ताला उन्हें अपने अपने घर में खुश रखे। आमीन। तो ये मजबूरी होती है कि अगर बोले ना कि रुक जाओ, नहीं जी बच्चे घर हैं, चलो बच्चों को ले, नहीं उन्हें छुट्टी नहीं स्कूल से होती, ऐसे ही होता है ना। तो फिर हर घर के ये मसले मसाइल होते हैं। चले बोला तो मुझे लग रहा आप रोना लगी। मेटे चीजें आपको क्योंकि मैंने अकेली ने उठा के डालना था, साथ में मेरे कैमरामैन ने भी उठाया और आटा डाल दिया। तो अब जीरे बाद भी तो कर रही थी कि मामा जी जो आंटी लेके आई थी मिठाई, तो सिस्टर मेरी लेके आई थी मिठाई, क्योंकि मिठाई वो लेके आई थी ना, बेबी हुआ था तो वो बेबी को लेकर गई पहली दफा आई थी, तो फिर मिठाई इस खुशी में भी वो मिठाई लेके आई है। और बाबा आई है तो नदीम साहब अभी नहीं आए, तो मैंने कहा चलो बाप को तो देते हैं ना, इस तरह लगा रहे देते हैं, सही करते हैं कि इजी तो खुल जाए। तो बाबा तो माशा खुश हो गए, जितने खाने हैं खा लो, जितने भी खाने ले लो, कौन सा लेना है? पिंक कलर। पिंक कलर का? अच्छा चलो मजे कर। तो मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मैं खाऊंगी मुझे गुलाब जामुन। वैसे भी मैंने मैके की मिठाई है, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। तो जी मैंने जल्दी जल्दी ब्लॉग बना रहे थे, इतना बनाया उनका जी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग नहीं थी बना सकी, जब ये नहीं थी मेरी ठीक, इसलिए मैंने नहीं था जी बनाया, असर के गाने भी हो रहे हैं। तो जी आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना किया करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।